आज हम बात करेंगे कि एरोप्लेन खराब से खराब मौसम में कैसे सफल लैंडिंग कर लेता है। तो अब ठंड का मौसम आने वाला है जिसमें कि हमें घने कोहरे देखने को मिलेंगे। जिस कोहरे में हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, उस मौसम में एरोप्लेन कैसे लैंडिंग कर लेता है? तो इसके लिए आईएलएस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आईएलएस सिस्टम लगे हुए हैं, इसी के द्वारा विमान को उतारा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आईएलएस काम कैसे करता है। जब भी घना कोहरा होता है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये जो रनवे है उसके सीध में हवाई जहाज है कि नहीं। दूसरी समस्या ये होती है कि रनवे से हवाई जहाज का हाइट कितना है, क्योंकि अगर हवाई जहाज सही हाइट से लैंड नहीं करेगा तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसी सभी तरह के एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए आईएलएस का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पे आईएलएस सिस्टम लगे हुए देख पा रहे होंगे, ये सब इसके एंटीना लगे हुए हैं। इस एंटीना का काम है पायलट को ये बताना कि रनवे किस तरफ है, इसे कहते हैं लोकलाइजर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस सभी एंटीना में ये एंटीना अलग है। इसका काम होता है कि पायलट को ये बताना है कि हवाई जहाज कितने हाइट पे है। अगर कम है तो ज़्यादा करिए, अगर ज़्यादा हाइट है तो कम करिए। ग्लाइड स्लोप को मैनेज करने के लिए ये एंटीना होता है। इसी दोनों एंटीना को मिलाकर बनता है आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये जो दोनों एंटीना होते हैं ये एक विशेष तरह की फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं जो 150 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, जिसका रेंज 6 से 7 किलोमीटर की होती है। इसलिए इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये खराब से खराब मौसम में भी 6-7 किलोमीटर पहले ही पायलट को बता देता है कि प्लेन सही डायरेक्शन में है या नहीं। आईएलएस का लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप तो बता देगा कि कहाँ पे लैंडिंग करना है, पर पायलट को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे उतरना है और वो कैसे इसे कंट्रोल करेगा? तो पायलट जिसमें बैठा होता है उसे हम कॉकपिट कहते हैं। कॉकपिट में आईएलएस द्वारा आ रहे सारे सिग्नल को मॉनिटर किया जाता है और उस हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। कॉकपिट में ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, शॉर्ट में इसे PFD कहते हैं। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं इसे रडार कहते हैं। यहाँ जो रडार स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है ये पायलट को बता देगा कि फ्लाइट सही डायरेक्शन में है या नहीं। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन मालूम होने से पायलट प्लेन को लैंड नहीं करवा सकता है, उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि प्लेन का स्पीड कितना है। तो ये जो आप PFD स्क्रीन में देख रहे हैं इसमें जो ये एक लाइन पे जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ये बताता है कि फ्लाइट का स्पीड सही है या नहीं, और दूसरे साइड का मॉनिटर ये बताता है कि एल्टीट्यूड कितना है। इस सभी बातों का ख्याल करके ही एक पायलट प्लेन को लैंड करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लेन खराब से खराब मौसम में कैसे रनवे पर लैंड कर लेता है। तो फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो स्टे सेफ एंड गुड बाय।